हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूज पाठ स्वामी ब्रचित जैनेन्द्र व्याकरण जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं जैनेन्द्र महावृत्ति केन्न में सुवंत प्रकरण हमारा चल रहा है जिस सुवंत प्रकरण में इकारांत शब्द हमारे बीच में है इकारांत शब्दों की स्वखी सूत्र के माध्यम से सुसंज्ञा होती है अब यहां पर सूत्र हमारे बीच में जो आ रहा है वह पति शब्द के लिए आ रहा है पति में ई है और इकारांत होने के कारण इसकी पूरी की पूरी व्यवस्था जो है वो नेमी शब्द के समान होना चाहिए क्योंकि पति शब्द जो हमारे बीच में आया है जैसे हमने नेमी शब्द के रूप चलाए थे वैसे ही पति शब्द की प्रक्रिया चलनी चाहिए क्योंकि सखी शब्द के लिए तो कहा था कि स्वसखी सखी शब्द को छोड़कर इकारांत और उकारांत शब्दों की सुसंज्ञा होती है परंतु यहां पर एक नया सूत्र हमारे बीच में दे रहे हैं पति ही से और पति से शब्द के लिए कह रहे हैं पति शब्द से एवं सुसंज्ञो भवती पति शब्द की समास में से माने समास पति शब्द की समास में ही सुसंज्ञा होती है समास का मतलब होता है दो पद एक साथ मिल जाए उसको कहते हैं समास अब यहां पर विचार ये करना है हमको कि सूत्र कहता है कि पति शब्द की समास में ही सुज्ञा होती है अब जहां पर समास नहीं होगा जहां पर स्वतंत्र रूप से पति शब्द होगा वहां की प्रक्रिया क्या रहेगी यह हमें जानना है और समझना है क्योंकि हमारे बीच में पति शब्द है अगर स्वतंत्र पति शब्द के रूप यदि हम चलाते हैं तो उसकी सुसंज्ञा नहीं होगी और जब सुसंज्ञा नहीं होगी तो उसकी प्रक्रिया भिन्न रहेगी और उसकी प्रक्रिया भिन्न रहने पर थोड़ा ये समझना हमें यह है कि ये सूत्र थोड़ा अधूरा है इस सूत्र में पूरा अर्थ नहीं है इसका वास्तविक अर्थ तो ये होना चाहिए कि पति शब्द जो है उसकी सुसंज्ञा तो होती है लेकिन सुसंज्ञा का फल यहाँ पर तृतीय आदि विभक्ति से दर्शाया गया है तृतीया माने टा एक बार सुसंज्ञा का फल हम जान लें कि सुसंज्ञा का फल हमारे बीच में क्या दर्शाया गया है हम पति शब्द की प्रक्रिया आपके बीच में रख रहे हैं और पति शब्द की प्रक्रिया में सबसे पहली विभक्ति हम लेकर आते हैं सी सी विभक्ति सुविभक्ति लेकर आते हैं सु में से ऊ का अनुबंध लोप हो जाता है केवल पति शब्द की प्रक्रिया चला रहे हैं यहां पर हम जिन पति जो समाज में अग्नि संज्ञा करते हैं सुसंज्ञा करते हैं उसकी प्रक्रिया से रहित पहले स्वतंत्र रूप में पति शब्द हम आपके बीच में लेते हैं जो असमास है और असमास होने के बाद ये पति से सूत्र कहता है कि केवल पति शब्द की समास में ही सुसंज्ञा होती है तो सुसंज्ञा से होने वाला जो फल जब हमारे बीच में आएगा तो वो पति शब्द के रहने पर कार्य नहीं करेगा तो जब पति शब्द के रहने पर कार्य नहीं करेगा तो फिर हमें क्या करना है वो प्रक्रिया आपके बीच में चल रही है सबसे पहले सुविभक्ति लेके आए पति शब्द से सु में रहने वाला जो हु है उसका अनुबंध लोप कर रहे हैं इत संज्ञा कर रहे हैं कार्यार्थो प्रयोगित और नासक हम सूत्र से उसका लोप कर रहे संज्ञा का सा बचेगा अब हमारे पास में सबसे पहला सूत्र अब लगता है स सजुसो री स और सजुस शब्द के सकार के स्थान पर री आदेश होता है और री आदेश होने के बाद में अगला सूत्र आता है विरामे विसर्जनिया विराम में रहने वाला जो रा है उसको विसर्जनीय आदेश होता है तो यहां पर विसर्जनीय आदेश हो जाने पर पहला प्रयोग सिद्ध हो जाता है पति ही यानी कि जैसा नेमी बनाता है वैसा ही बन गया पति ही दुई वचन में अविभ्यक्ति आती है अब ये ध्यान रखना है अपने को कि प्रथमा विभक्ति की द्वि वचन में औ आता है और द्वितीय व्यक्ति के द्वि वचन में आउट आता है लेकिन टाका अनुबंध हो जाता है दोनों जगह औ बचता है औ बचने पर सबसे पहले हमें प्राप्ति है अच्छी को अच्छी को से जो पतिशब्द में रहने वाली ई है उसको या आदेश की प्राप्ति है परंतु हमारे पास में सूत्र आता है सुटी पूर्व स्वम सुव कहता है कि जो पांच विभक्तियों को सुट कहते हैं तो ये सुट के होने पर पूर्व स्वम पूर्व में रहने वाला जो स्वर है और विभक्ति संबंधी जो हमारे बीच में शब्द है उन दोनों को मिला करके एक दीर्घ रूप आदेश हो जाता है तो पति में रहने वाली जो रस्व ई है और जो अव्यवक्ति है इन दोनों के स्थान पर पूर्व स्वम जो पूर्व में रहने वाला वर्ण है वह दीर्घ हो जाता है तो यहाँ पर पति शब्द में ई है उसको दीर्घ हो जाएगा जो अव्यवक्ति लेकर आए सहित तो दूसरा प्रयोग बन जाएगा पति ही तृतीय प्रतिमा का बहुवचन में जस विभ्यक्ति लेकर आते हैं जस में से जाका अनुबंध लोक हो जाएगा कार्यार्थो प्रयोगित नासक लगाकर और यहां पर फिर सूत्र की प्राप्ति है को यण को यण कहता है कि एक प्रत्याहार के लिए यण होता है के होने पर और सुटी पूर्वस्वम इसकी भी प्राप्ति है क्योंकि सुट विभक्ति जस छुट्टी तो पूर्व स्व दीर्घ कर रहा है अची को या कर रहा दोनों है दोनों व्यवस्थाएं मिलने के बाद सूत्र आता है जसी और जसी सूत्र कहता है कि जस के होने पर पूर्व पद को ए पादेश होता है एप माने गुण होता है पूर्व पद को एप होता है माने गुण होता है और गुण करने के लिए पति में रहने वाली जो ई है उसको गुण होगा ए और ए गुण हो जाने पर पते धन्य अस फिर एचो यावा, यावा एचो यवा यावा से जो ए आदेश किया था उसके स्थान पर आदेश हो जाएगा और सजुसो री और ब्राह्मे विसर्जनिया से विसर्ग आदेश होकर बनेगा पतयाहा संबोधन में पति शब्द से शिव व्यक्ति लेकर आएंगे संबोधन में सूत्र हमारे बीच में आता है संबोधने बोध्यम अर्थात जो संबोधन है उसका यहाँ पर बोध नामकरण किया जा रहा है बोध अर्थात बोध संज्ञा होती है और यहाँ पर पति शब्द के रहने वाली जो सी है उसको बोध नाम दिए जाने पर बोध नाम हो गया पूरे तीनों वचनों का सी औ जस माने जो प्रथमा विभक्ति संबंधी विभक्तियां हैं उनको संबोधन में उसका नाम हो गया बोध फिर अगला सूत्र हमारे बीच में आया था एक की जो बोध संज्ञा एक वचन है उस केवल एक वचन की की संज्ञा होती है रस्व की नामकरण की बोध संज्ञा पूरे तीनों वचनों की और जो एक वचन है उसकी की संज्ञा हो गई अब की नामकरण करने का प्रयोजन अभी हमारे बीच में आएगा तो पूर्व सूत्र हमारे बीच में प्रक्षेप अर्थात संबोधन संबंधी की होने पर की माने संबोधन का शिव व्यक्ति के होने पर प्रस्येप सूत्र के माध्यम से जो शब्द हमारे बीच में उसको ए पादेश होता है माने गुण होता है तो या पति में रहने वाली जो ई है उसको ए हो जाएगा अब हमारी स्थिति है पते धन सा फिर अगला सूत्र हमारे बीच में आया था के रेंगा के रेंगा सूत्र कहता है एंग प्रत्याहार के बाद अगर की है अर्थात सी है सकार है उसका खा माने लोप होता है तो यहां पर एंग प्रत्याहार में क्या है जो पति में रहने वाली ई थी उसको ए आदेश किया है और ए आदेश किए जाने पर उसको एंग प्रत्याहार मिल जाएगा ए ओ को एंग प्रत्याहार कहते हैं और सूत्र सीका लो पजान पर बनेगा हे पते बोलचाल की भाषा में संबोधन में जिसको बोध कहते हैं उसमें हे अरे आदि का प्रयोग किया जाता है तो शब्द बन जाएगा हे हे पते उसके बाद में वचन में तो पूर्व में हमने आपको प्रयोग सिद्ध कर ही लिया था कि जिसका प्रयोजन हमने किया था अच्छी को की प्राप्ति और सुटी पूर्व स्वम सुटी पूर्व स्वम से दीर्घ आदेश होकर उसको प्रयोग बना लिया था हे पति ही बहुवचन में जैसे पतेहा बनाया था वैसे ही हे पतेहा प्रयोग सिद्ध होता है अब द्विवचन में हम विभक्ति लेकर आएंगे यहां पर ध्यान रखना जो प्रथमा द्वितीय तृतीय आदि विभक्तियां हैं उनके नाम क्रम से वा, संबोधन, इप भा अपो का ता और ईप ये उनके क्रम नाम है अब द्वितीय विभक्ति का मतलब है इप इसमें अंबे व्यक्ति लेकर आएंगे और अम्बे व्यक्ति के लेके आने पर सबसे पहले हमें को यण सूत्र की प्राप्ति है सुटी पूर्व स्वम सूत्र से दीर्घ की प्राप्ति है अच्छी को स्थान पर या कर रहा है सुटी पूर्व स्व क्योंकि विभक्ति है तो पूर्व को दीर्घ आदेश कर रहा है परंतु हमारे बीच में सूत्र आया था पोमी अर्थात व्यक्ति के होने पर जो पूर्व में रहने वाला पद है वह अम उसके पूर्व रूप हो जाता है अर्थात अम पति में रहने वाली जो ई है उस रूप होकर उसमें मिल जाता है तो शब्द बन जाता है पतिम द्विवचन में पूर्वक दीर्घ आदेश करके बनेगा पति ही अब बहुवचन में हमें सस् विभक्ति लेकर आना है द्वितीय का मतलब होता है इप ये वा माने प्रथमा संबोधन माने संबोधन उसके नीचे की विभक्ति कहलाती है इप तो इप में हमने पूर्वोमी सूत्र से बनाया पतिम और द्विवचन है पूर्व पति ही अब बहुवचन में सस विभक्ति लेकर आते हैं ससमें से तालब सकार का अनुबंध लोप कार्यार्थो तो, तो नासा खम सूत्र से संज्ञा होकर लोप हो जाएगा यहां पर भी हमें को यण सूत्र की प्राप्ति है अब ध्यान रखना अभी तक हम जो सूत्र लगा रहे थे सुटी पूर्व स्वम अब वो सूत्र यहां पर नहीं लगेगा क्योंकि सुट के बाद की है सी जस इन पांच को ही सुट कहते हैं सस विभक्ति इसके आगे की है तो सुटी पूर्व स्वम की प्राप्ति नहीं होगी तो अगला सूत्र हमारे पीछे में आया था नस नस्य पुंसी कहता है कि के होने पर जो पूर्व पद है और आकार है आ है उसको पूर्व पूर्व पर दोनों के स्थान पर द्विरोप आदेश होता है और जो सस का सकार है उसके स्थान पर ना आदेश होता है अर्थात विभक्ति के होने पर पूर्व पद को दीर्घ होता है और पूर्व पद को दीर्घ होता है मतलब इधर रहने वाला जो सस का आ है वो आ सहित पूर्व पद दीर्घ होता है और जो सस में सकार है दंत उसके स्थान पर ना आदेश होकर प्रयोग बनेगा हमारा पतीन अब तृतीय विभक्ति में विभक्ति आती है अब विभक्ति में जो सुसंज्ञा की थी हमने उस सुसंज्ञा में सूत्र आया था आंगो नास्त्रियाम आंगो नास्त्रियाम जो इकारांत और उकारांत शब्द जिनकी सुसंज्ञा होती है उस सुसंज्ञा के स्थान पर यह सूत्र कार्य करता है अब ये सूत्र कार्य करता है लेकिन ऊपर सूत्र हमारे बीच में आया था पति से पति शब्द की केवल समास में ही सुसंज्ञा होती है पति शब्द स्वतंत्र रूप से चल रहा है यानी कि बिना समास के चल रहा है और बिना समास के चल रहा है सुसंज्ञा नहीं है और जब सुसंज्ञा इसकी नहीं की है तो आंगो ना त्रियाम सूत्र भी यहां पर नहीं लगेगा और जब ये सूत्र नहीं लगेगा तो सीधा का सीधा हमारे पास में सूत्र है अच्छी को यण अची को यहां ई के स्थान पर यह आदेश करता है सामने अच के होने पर तो ई के स्थान पर यह आदेश हो जाएगा और प्रयोग बन जाएगा पत्या भाव माने तृतीय विभक्ति में बन जाएगा पत्या और भ्याम आदि विभक्तियों में कुछ करना नहीं है तो पतिभ्याम में री से रा और विरामे विसर्जन यहा सूत्र से रेप के स्थान पर विसर्ग आदेश करने पर बनेगा पति भी चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में गे विभक्ति आई और गे विभक्ति के आने पर सुसंज्ञा है नहीं है और सुसंज्ञा नहीं है तो सोन गीति सूत्र भी नहीं लगेगा केवल अच्छी को यन यही मात्र सूत्र लगेगा और अच्छी को यण कहता है कि ई के स्थान पर या कर दीजिए तो ई के स्थान पर जब या आदेश हो जाएगा तो चतुर्थी विभक्ति जिसको आप कहते हैं तो पहला प्रयोग सिद्ध हो जाएगा पत्ये उसके बाद में भ्याम विभक्ति के आने पर पतिभ्याम और और विभक्ति के आने पर पतिभ्या। अब पंचमी विभक्ति हमारे बीच में आती है घसी और गसी और गस, गस विभक्ति के आने पर हमने जो काम किया है क्योंकि तो यहां पर सुसंज्ञा होगी नहीं और सुसंज्ञा नहीं होने पर को यण सूत्र से तो इ के स्थान पर यह आदेश हो गई होगा क्योंकि सोन गिथि यहां पर नहीं लगेगा क्योंकि यहां पर अग्नि सुसंज्ञा नहीं है सुसंज्ञा के अभाव में शकी शब्द की जो प्रक्रिया हमने सिद्ध की थी वहां पर सूत्र आया था खत्याग दताहा खेत्याग दताहा यह सूत्र कहता है कहता खी और ती माने की हो की हो ती हो ती हो माने जिन शब्दों में या तो अंत में छोटी खी हो या बड़ी खी हो या ती और ती ये केवल सकी और पति शब्द की ही व्यवस्था के लिए सूत्र ध्यान रखना तो खी खी ती ती शब्दे प्रयोग गसी गसो अत उत्पती जो घसी और जो आ है उसके स्थान पर ऊ आदेश हो जाता दता इस सूत्र के माध्यम से जो घसी का आ है उसको ऊ आदेश हो जाएगा ऊ आदेश होने पर एवं अच्छी कोण से हमने ही कोई आदेश कर दिया है और सजूसो री और विसर्जन यहां सूत्र लगाएंगे तो बन जाएगा पत्यु फिर पतिभ्याम पति पतिभ्या, षष्टी विभक्ति में भी खेत्या दता सूत्र से गस गे आको आदेश कर देंगे और अचीको यण से या आदेश करके सजूसो री और ब्रामे विसर्जनिया लगाएंगे तो बन जाएगा पत्यु फिर ओस विभक्ति आएगी ओस विभक्ति में भी अच्छी को यजुसो री और उसके बाद में बिरा विसर्जन सूत्र लगाएंगे तो उसको फिर विसर्ग आदेश होकर बन जाएगा पत्यो हो। अब आम विभक्ति लेकर आते हैं आम विभक्ति के आने पर हमारे बीच में सुसंज्ञा यहां पर होगी नहीं को यण सूत्र की यहां भी प्राप्ति है और प्राप्ति होने के बाद में अगला सूत्र हमारे बीच में था प्रेलम वाप चतुरो नुट प्रेल मेवाप चतुरो नुट इसका उच्चारण थोड़ा सा अटपटा सा हो जाता है प्रेल मेवाप चतुरो नुट इस सूत्र के माध्यम से नुट का आगम हो जाएगा और नुट के आगम में से ना बचेगा तार ऊ का अनुबंध लोप हो जाएगा फिर सूत लगेगा नाम तीसरी चस््री अर्थात तीसरी और चस्त्री को छोड़कर नाम के होने पर जो पूर्व पद हृस्व है उसको दीर्घ आदेश होता है तो पति में रहने वाली जो हिरस्व ही है वो इसके निमित्त से दीर्घ रूप एक आदेश को प्राप्त हो जाएगी तो शब्द तो बन जाएगा हमारा पति नाम अब सप्तमी विभक्ति हमारे बीच में आती है सप्तमी विभक्ति में घी विभक्ति लेकर आएंगे और घी विभक्ति लेके आने पर ये जो सामने आपको पद दिख रहा है इसमें विभक्ति का रूप ये सामने थोड़ा सा इधर भग गया है दूर जिसको हम सिद्ध करना चाहेंगे इधर लिखा हुआ है तो सप्तमी विभक्ति में हम घी विभक्ति लेकर आए और घी विभक्ति को लेकर आते हैं तो घी में से क्या बचता है ये तो सब पता है केवल ई बचता है अब यहां पर भी सुसंज्ञा नहीं है तो सुसंज्ञा नहीं होने के कारण सोर गीति सूत्र नहीं लगेगा परंतु औ सो हो सूत्र कहता है दो काम करता है औ दच्च सौ सोहो औ सूत्र दो काम करता है एक तो जो गीव विभक्ति है उस गीव विभक्ति के लिए अव आदेश करता है और जो शब्द सुसंजक है उस सुसंज्ञक के अंत को आकार आदेश करता है अब पति शब्द की समास में ही सुसंज्ञा होती है अब सुसंज्ञा पर उसकी नहीं है अब सुसंज्ञा नहीं होने के कारण ये सूत्र जो दो काम करता है कि व्यक्ति को तो अव आदेश करता है और सुसंजक शब्द को अकार आदेश करता है तो यहाँ पर सुसंज्ञा नहीं है तो सुसंज्ञा नहीं है इसीलिए सुसंज्ञक शब्द को अकार आदेश तो नहीं करेगा लेकिन विभक्ति के स्थान पर औ आदेश जरूर कर देगा तो घी के स्थान पर आदेश हो गया अब हमारी स्थिति है पति धन अब यहां पर सूत्र लग जाएगा को यण और को यण सूत्र से ई के स्थान पर यह आदेश हो जाएगा और या के या में मिल जाएगा तो बन जाएगा पत्यऊ द्विवचन में ओस विभक्ति के आने पर को यण और सो री और ब्रामी विसर्जन यहां सूत्र लगाएंगे तो बन जाएगा पत्यो हो अब सप्तमी विभक्ति में बहुवचन में सुप विभक्ति लेकर आए और शुभ व्यक्ति के लेके आने पर पाका अनुबंध हो जाएगा सु बचेगा और सूत पड़े हम यो हो, हो सूत्र के माध्यम से यहां पर जो सु दंत सकार है उस दंत सकार को मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा क्योंकि तो पति में रहने वाली जो ई है वो इण प्रत्याहार के अंतर्गत आती है और इण प्रत्याहार के अंतर्गत आने से उस दंत सकार का मूर्द सकार आदेश होकर प्रयोग सिद्ध होता है पति प्रकार से अभी हमने पति शब्द की जो प्रक्रिया सिद्ध की है वो आसामास में की है सूत्र कहता था पति से पति शब्द की सु से माने समास में ही सुसंज्ञा होती है तो हम पति शब्द को समास बनाएंगे समासांत बनाने का मतलब है कि उसके पूर्व कोई एक पद जोड़ देंगे जैसे पति के पूर्व हम जोड़ देंगे जिन पति अब जिन पति हो गया तो ये समास हो गया राष्ट्रपति भूपति तो कोई भी दो शब्दों को दो पदों को एक साथ कर देंगे तो वह समास कहलाएगा और जब समासांत शब्द बन जाएगा तो इसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया नैमी के समान चलेगी सुसंज्ञा हो जाएगी आंगो ना स्त्रियाम सूत लगेगा सोन गीति लगेगी और ओ सौ सूत्र से औ आदेश तो हो ही जाएगा लेकिन जो पूर्व में रहने वाली सुसंज की ई है उसको अकार आदेश होकर शेष प्रक्रिया पति शब्द की समास में अगले सत्र में हम आपके बीच में आएंगे तब तक के लिए जय जनेन्द्र वंदना सबका यथा योग अभिवादन